तो सोलो बियर रैंक पुशिंग के एपिसोड 7 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बाकी आप लोगों ने पिछले वाले एपिसोड्स में तो देख ही लिया होगा कि मेरा ग्रैंड मास्टर रैंक ऑलरेडी अचीव हो चुका है एंड मैंने वहाँ पे बोला था कि मैं जो है M14 रीजियन टॉप 1 के लिए पुश करने वाला हूँ। सो आज का ये जो एपिसोड है ये मेनली एक फुल गेम प्ले रहने वाला है, जहाँ पे मैं आप लोगों को अपना पूरा स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं मैचेस को खेलता हूँ, जिससे मैं जो है ऑलरेडी M14 रीजियन में 59 नंबर पे आ चुका हूँ, साथ ही में मैं जो है ग्रैंड मास्टर रैंक को भी अटेन कर रहा हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा मैच स्टार्ट हो चुका है एंड प्लेन पाथ भी आ चुका है। बाकी M14 के लिए मैं जो है ब्लू जोन ही टारगेट करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे हमेशा एक या फिर दो M14 मिलता ही है। सो इसीलिए मैं जो है ब्लू जोन में ही उतरता हूँ, क्योंकि काफी टाइम वहीं पे मुझे जो अर्ली किल्स भी मिल जाता है। सो अभी के लिए इस मैच में मेरा ब्लू जोन आ चुका है फैक्ट्री पे, तो सीधा फैक्ट्री की तरफ चलते है एंड फैक्ट्री में 3 से 4 बंदे तो हमेशा आते ही है, तो जल्दी से M14 ढूंढ के इनको मारने का ट्राई करेंगे। ओके, यहाँ पे फैक्ट्री पे 3 से 4 बंदे आए हैं एंड यहाँ पे मुझे M10 मिल चुका है एंड इसी के साथ MP5 भी मिल चुका है एक चिप का, तो शॉर्ट रेंज के लिए तो काम चल जाएगा, बट मुझे जो मेनली चाहिए M14 वो जल्दी से चाहिए, क्योंकि अर्ली किल्स अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। जब जोन छोटा हो जाता है तो गाड़ी वाले इतना परेशान करते हैं कि किल निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी बाहर के साइड से यहाँ पे फायरिंग हो रहा है, तो वो बंदा शायद अंदर आएगा अभी एंड अगर वो अंदर के साइड पे आता है तो उसको मारने का ट्राई करूंगा मैं। ओके, नीचे से ही आ रहा है बंदा, सामने ये रहा बंदा, MP5 से डैमेज, काफी डैमेज है, सोनिया एक्टिव है शायद एंड हाँ यहाँ पे सोनिया एक्टिव था एंड इसने दिमित्री भी लगा लिया है, तो जल्दी से कंफर्म करते हैं। बाकी ये सामने फाइट कर रहा था, ये रहा सामने दूसरा बंदा, डैमेज, काफी डैमेज एंड इसी के साथ ये बंदा भी हो चुका है खत्म एंड 2 किल तो मुझे मिल चुका है। बाकी अभी जल्दी से M14 ढूंढने का ट्राई करते हैं। बाकी मेरे लक के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि M14 तो मुझे जल्दी से मिलने से रहा एंड जिन बंदों को मैंने मारा है वो यहीं पे लैंड कर सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे एंड टोकन भी मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे M14 मैं नहीं ढूंढ पाता हूँ तो टोकन से मैं जो है वार चेस्ट से निकाल लूंगा। बाकी यहाँ पे अंदर के साइड से फायरिंग का साउंड आ रहा है एंड ये रहा सामने ही बंदा, डैमेज, काफी डैमेज है एंड इसी के साथ खत्म। सो यहाँ पे मेरा तीसरा किल भी कंफर्म हो चुका है एंड M14 का यहाँ पे तलाश जारी है अभी भी। बाकी इस बंदे के पास से बाइजन तो मिल चुका है एंड यहीं पे एक और बात मैं शॉर्ट कर देता हूँ कि सीजन के स्टार्टिंग से मैंने जो है शॉर्ट रेंज में बाइजन में ग्लोरी पुश किया था, बट अभी के टाइम पे लीडर बोर्ड में सभी के सभी ग्लिच यूजर भरे पड़े है, तो शायद मैं शॉर्ट रेंज में दूसरे किसी गन में ग्लोरी पुश करने वाला हूँ, तो आप लोग कोई SMG गन मुझे सजेस्ट करना जिसमें मैं ग्लोरी पुश कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे पीछे से एक बंदा डैमेज दे रहा है, सो इसको मैं खत्म तो आराम से कर सकता हूँ, बाइजन है मेरे पास जिस पे पूरा भरोसा है मुझे एंड सामने ही इसी कवर के पीछे ही है बंदा, सो मेरे पास लॉन्चर है, ये मारने का ट्राई करता हूँ। ओके, काफी ज्यादा ही बढ़िया लॉन्चर मार दिया मैंने अपने ही ऊपर एंड बंदे ने रश किया एंड इसी के साथ खत्म। तो इसी के साथ मेरा चौथा किल भी कंफर्म हो चुका है, तो अभी जल्दी से M14 ढूंढने का ट्राई करता हूँ एंड थोड़ा बचते हुए करना पड़ेगा, बिकॉज अभी अगर और कोई बंदा आ जाता है एंड मैं मर जाता हूँ तो काफी गंदा माइनस मिल सकता है। Much later. भाई पूरा फैक्ट्री लूट कर लिया मैंने, लेकिन M14 का कोई नामो निशान नहीं है। बाकी जितना मुझे लग रहा है यहाँ से कोई बंदा जो है M14 लेके भाग गया है, इसीलिए M14 नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमेशा ब्लू जोन में एक M14 तो एटलीस्ट रहता ही है। तो अभी बस एक ही रास्ता है, मैं जो वायर चेस्ट में टोकन के बदले M14 लेने का ट्राई करूंगा। सो पोचिनोक वाले वायर चेस्ट की तरफ चलते हैं। बाकी सामने बंदा आ चुका है अचानक से एंड ये रश कर रहा है, तो थोड़ा पीछे के साइड पे चलते हैं, ये अगर सीधा रश करेगा तो मार सकता हूँ मैं इसे। ओके, लेफ्ट साइड से बंदा आ रहा है, डैमेज एंड इसी के साथ हो चुका है ये बंदा भी खत्म एंड यहाँ पे मेरा पांचवा किल भी कंफर्म हो चुका है। बाकी इस बंदे के पास भी नहीं है M14, लेकिन टोकन हो चुका है यहाँ पे काफी सारा, तो मैं यहाँ पे पोचिनोक के तरफ चलता हूँ, वहाँ पे वायर चेस्ट में मुझे शायद M14 मिल ही जाएगा। ओके, सामने के साइड पे बंदा एंड यहाँ पे शायद दो बंदे है, हाँ दो बंदे यहाँ पे टीम अप करके आ रहे हैं, भाई क्या ही कहूँ मैं मतलब। ओके, एक बंदा डैमेज एंड दूसरा भी काफी डैमेज है, सो लॉन्चर। ओके, एक बंदा यहाँ पे मर चुका है, सो अभी दूसरा बंदा ही बाकी है। बाकी बंदों का टीम अप तो मैंने पूरी तरीके से बिगाड़ ही दिया है एंड इस बंदे को अगर मार पाता हूँ तो इमोट भी दिखाऊंगा, क्योंकि इसका वो टीम अप वाला बंदा अभी भी मुझे स्पेक्टेट कर रहा है। बाकी ये बंदा भी काफी डैमेज है एंड इसके पास नाइडी का वॉल है, सो वॉल फूटने में तो टाइम लगेगा एंड इसने दिमित्री भी यूज कर लिया है,
ओके, बंदे का वेस्ट फूट चुका है, अभी तो ये खत्म ही होगा। एंड इसी के साथ ये बंदा भी हो चुका है खत्म। एंड इसी के साथ मेरा 7वां किल भी कंफर्म हो चुका है। तो अभी काफी सारा टोकन है, तो जल्दी से M14 लेने का ट्राई करता हूँ। एंड अब तक अगर M14 होता तो 2-3 किल मैंने M14 से ही निकाल लिया होता। तो चलते हैं जल्दी वार चेस्ट के तरफ। ओके, वार चेस्ट के सामने तो आ चुका हूँ। एक बार बाहर के साइड पे चेक कर लेते हैं, शायद M14 मिल जाए। एंड M14 यहाँ पे तो नहीं है, तो रिफ्रेश करना स्टार्ट करते हैं। ओके, 4 का वेस्ट मिल गया। एंड इसी के साथ एक और रिफ्रेश करते हैं। एंड यहाँ पे पोर्टल गो मिल चुका है, हॉरिजलाइन भी मिल चुका है, एंड इसी के साथ M14 भी मिल चुका है। बाकी मेरे पास काफ़ी सारा अपग्रेड चिप है, क्योंकि मैंने ब्लू जोन लूट किया था, सो इसको अपग्रेड भी कर लेते हैं। एंड यहाँ से सीधा चलते हैं बंदे मारने। द नेक्स्ट डे। ओके, कब से बंदा ढूंढ रहा हूँ, बंदा मिलने का तो नाम नहीं है, बट जोन का डैमेज अलग खा रहा हूँ। ओके, सामने के साइड पे एक बंदा, डैमेज सोनिया एक्टिव, एंड इसी के साथ हो चुका है ये बंदा भी खत्म। बाकी यहाँ पे एक और पोर्टल मिल चुका है मुझे, तो पहला वाला यूज कर लेता हूँ। ओके, सीधा चलते हैं अभी क्लॉक टावर के तरफ। बाकी यहाँ पे अभी भी 16 बंदे अलाइव है, तो 10 प्लस किल तो हो ही जाएगा शायद। एंड इस साइड पे शायद एक बंदा है, साउंड तो आ रहा है। ओके, सामने के साइड पे बंदा एक गोली मारा M14 का, थोड़ा सा डैमेज है उसका, तो यहाँ पे 1 टैप मिस हो गया। ओके, बंदे पे शॉटगन है, डैमेज काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। एंड इसी के साथ ये बंदा भी हो चुका है ख़त्म। सो यहाँ पे मेरे 9 किल कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अभी सामने के साइड पे फाइट चल रहा है, तो सीधा उसी तरफ चलता है, थर्ड पार्टी करने का ट्राई करेंगे। ओके, यहीं पे बंदे फाइट कर रहे हैं। एंड एक बंदा यहाँ पे ओपन में है, एंड M14 का एक गोली कनेक्ट हुआ, उसने वॉल लगा लिया। बाकी यहाँ पे ऊपर से मुझे पड़ रही है, तो पहले यहाँ पे ब्लॉक करते हैं। एंड वो रहा सामने एक बंदा ओपन में, इसी के साथ ये हो चुका है ख़त्म। बाकी यहाँ पे जोन भी आ रहा है, तो यहाँ पे एक एनर्जाइजर मारते हैं, सीधा चलते हैं जोन के तरफ। बाकी अभी के लिए ये क्लॉक टावर वाले बंदे को अवॉइड करते हैं। जोन में अगर पहुंच गया तो इसको मैं मारने का ट्राई करूंगा। एंड मैंने 10 किल का बोला था, यहाँ पे 10 किल तो कंप्लीट हो चुका है, अभी 15 किल का ट्राई मैं कर सकता हूँ। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ट्राई करूंगा पूरा। बाकी जोन श्रिंक कर रहा है, मतलब ये क्लॉक टावर वाला बंदा भी निकलेगा, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड बंदा वहाँ पे सामने के साइड से जा रहा है। एंड ये रहा सामने एक और बंदा, डैमेज काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, स्कोप ऑन करके मारता है, ये बंदा ख़त्म हो चुका है। बाकी वो रहा क्लॉक टावर वाला बंदा भी निकल रहा है डैमेज, एंड जोन में पहले से ही डैमेज था, तो यहाँ पे ये बंदा भी हो चुका है ख़त्म। एंड यहाँ पे मेरा 12 किल कंप्लीट हो चुका है। बाकी यहाँ पे अभी भी 7 बंदे अलाइव है, तो उनमें से अगर 3 बंदा मार देता हूँ तो 15 किल हो ही सकता है। एंड जोन भी श्रिंक कर चुका है, एक बंदा जोन सा आया, एंड इस पे मिशा नहीं है डैमेज, एंड ये बंदा हो चुका है खत्म। क्या ही तो गंदा किस्मत था बंदे का, जैसे ही जोन में घुसा वैसे ही इसको मार दिया। बाकी सेफ जोन रिमनाम विलेज के तरफ है, तो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा रिमनाम के तरफ चलते हैं। A few moments later. ओके, रिमनाम में तो मैं आ चुका हूँ। एंड वो रहा सामने एक बंदा भाग के जा रहा है, तो इसको मारते हैं, डैमेज काफी डैमेज है, सो लॉन्चर मार के इसका वॉल फोड़ते हैं। एंड इसी के साथ ये बंदा हो चुका है, यहाँ पे मेरा 14 किल भी कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी आखिर के सिर्फ 3 ही बंदे बचे हैं, सो एक बंदा तो मैं एटलीस्ट मारूंगा ही अगर बुइया करता हूँ तो। सो जो 15 किल का टारगेट था वो भी कंप्लीट यहाँ पे हो सकता है। बाकी किसी भी बंदे का मुझे लोकेशन पता नहीं है, सो जिस साइड पे फाइट शुरू होगा मैं थर्ड पार्टी करने का ट्राई करूंगा। अभी के लिए इस घर के अंदर चलते हैं, ताकि मेरे ऊपर थर्ड पार्टी नहीं हो जाए। ओके, 2 बंदे यहाँ पे पीछे के साइड पे जो छोटे वाले घर रहते हैं वहाँ पे फाइट कर रहे हैं। एंड एक बंदा यहाँ पे रिमनाम के अंदर से मार रहा है, तो पहले इसके ऊपर रश करते इसको मारने का ट्राई करते हैं, वरना ये बाद में परेशान करेगा। सामने ही बंदा, बाइजन का डैमेज, एंड इसने वॉल से पैक कर लिया है। बाकी बाइजन है, इस पर नायरी नहीं है, तो वॉल फोड़ के मारेंगे, काफ़ी डैमेज, एंड इसी के साथ ख़त्म। सो यहाँ पे 15 किल तो कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी आखिर के सिर्फ 2 ही बंदे बचे हैं। सो अगर मैं इनको मारता हूँ तो 17 किल के साथ बुइया हो जाएगा। तो चलते हैं जल्दी से एनर्जाइजर लगा के रश करते हैं। बाकी यहाँ पे अंदर के साइड पे ही होगा बंदा, तो पहले ग्रेनेड मारता हूँ। ओके, वॉल लगा हुआ है, तो पहले मेल्टर से वॉल फोड़ने का ट्राई करते हैं। एंड अभी मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ, जितना भी है सभी इस घर के अंदर ही फेंक दूंगा, शायद बंदा ख़त्म हो जाए। एंड इन दोनों में भी फाइट चल रहा है, बाकी सारे ग्रेनेड अंदर तो डाल दिया, एंड एक बंदे को मार दिया है, एंड दूसरे बंदे को डैमेज तो आया है, एंड बंदे को और डैमेज नहीं आया, बाकी उसका वॉल तो सब फूट गया है। बंदा शायद अंदर से भाग गया, एंड हाँ, वो बाहर के साइड पर हील कर रहा है। सामने ही बंदा डैमेज, एंड सोनिया एक्टिव, एंड इसी के साथ ये बंदा हो चुका है खत्म। एंड इसी के साथ यहाँ पे मेरा 16 किल के साथ मैच हो चुका है बुइया, जहाँ पे मुझे टोटली मिल चुका है 33 का प्लस।
एंड इस एक गेम में मैं जो है 7900 से 7600 पे आ चुका हूँ। बाकी M49 Bison में भी पूरा प्लस तो मिल चुका है, लेकिन जैसा मैंने बताया शॉर्ट रेंज में कोई दूसरे SMG गन पे मैं पुश करने वाला हूँ, सो वो गन आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे जो है सजेस्ट कर सकते हो। बाकी कल सोमवार है तो कल जो है मुझे वेपन ग्लोरी बैज मिल जाएगा M14 का एंड आगे के लिए पुश करूंगा। बाकी अभी के लिए मैं जो है 57 पे आ चुका हूँ एंड यहाँ से आगे के लिए आज रात को भी मैं जो है पुश करने वाला हूँ। बाकी आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो आप लोगों को ऐसे फुल गेम प्ले पसंद आते हैं कि नहीं। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा था तो आप लोग लेफ्ट पे क्लिक करके देख सकते हो एंड अगर आप लोग ये वीडियो 2-3 दिन के बाद देख रहे हो देन हो सकता है अगले वाले एपिसोड्स आ गए हो, सो आप लोग राइट पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोगों से उन्हीं वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड टाटा।